तेरी परवरिश कर नंगा हकदार। बेटियों की वजह से क्या मिल रहा बोलो प्यारे, बोलो किसकी वजह से? बेटियों। अब एक सहाबी दिल में मरमरा रहे थे, उनसे रुका नहीं, खड़े हो गए, कह रहे लगे आका आका बोले जी फरमाइए। आका पूछना चाहता हूँ, पूछ लो ना। तमाम साहबा उसके मुंह को देखे, अरे तकरीर चल रही है, तुम क्या बोलो? आका पूछ लेता हूँ, आका पूछ लेता हूँ, मेरे नबी ने फरमाया पूछो। वो कह रहा था अगर किसी की तीन बेटियां ना हो दो हो तो उसके बारे में बता दो। नबी ने फरमाया अगर जिसकी दो बेटियां हो और वो सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार है। एक कोने से साहबी खड़े हो गए, कहने लगे आका आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया है। मेरे आका मैं पूछना चाहता हूँ अगर किसी की एक बेटी हो तो? नबी ने फरमाया अगर किसी की एक बेटी हो तो वो भी जन्नत का हकदार है, पर उसकी सही परवरिश कर दे तो। अब मुझे कह लेने दिया जाए, बेटियों की वजह से जन्नत है, जन्नत जन्नत का रास्ता उसके लिए खुल जाता है। बेटियों की वजह से बेटियां रहमत भी है, बेटियां नियामत भी है, बेटियां बरकत भी है और सबबे जन्नत भी है। बेटियों की वजह से जन्नत मिल रही है। मगर सुनो प्यारे, और मैं ऐसी हदीस तुम्हारे सामने पढ़ने जा रहा हूँ कि तुम्हारा कलेजा मुंह को आ जाएगा, तुम्हें दिन में तारे मजे आ जाएंगे, तुम्हारे होश ठिकाने हो जाएंगे। ऐसी हदीस पढ़ने जा रहा हूँ, यह हदीस जहन से सुन लेना, तवज्जो से सुन लेना, कानों से अच्छी तरीके से सुन लेना। नबी फरमाते हैं और قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يدخلون الجنه العاق الوالدين والدجوس ورجلة النساء। नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं तीन लोग जन्नत में नहीं जा सकते। अगर नबी किसी को जन्नत से रोक दे तो कोई मौलाना उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता, अगर नबी मना कर दे कोई मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता, अगर नबी मना कर दे तो कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता, अगर नबी मना कर दे तो नमाजें नहीं ले जा सकती, नबी मना कर दे तो रोजे नहीं ले जा सकते, नबी मना कर दे तो कोई माई कलाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। रहता माफी के गैर मुसलमानों, हदीस है, नबी फरमाते हैं तीनों जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर एक, वो माँ बाप जन्नत में नहीं जा सकता जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिसकी बेटियां मोबाइल चला चला करके गैर लड़कों से बातें कर रही हो, वो माँ बाप कयूस है। जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो वो माँ बाप कयूस है। जिसकी बेटियां सर पे दुपट्टा ना ओढ़े बेहयाई का बाजार गरम कर रही है वो माँ बाप कयूस है। नबी फरमाते हैं कयूस जन्नत में नहीं जा सकता जिसकी बेटियां बेपर्दा घूमे और बेटियों ही की वजह से जन्नत का रास्ता बंद हो। क्यों? सिर्फ परवरिश की बिना पर। परवरिश अगर सही हो जाए